हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब भले चंगे हैं? चलिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी का पत्ता, आप लोग घुइया का पत्ता भी बोल दो, उसके पकौड़े। चलिए देखते हैं किचन में कैसे बनाती हूँ। बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी में बना रही हूँ। वो जो रोल करके बनता है उस टाइप से नहीं बना रही हूँ, सिंपल तरीके से बना रही हूँ। अरबी के पत्तों को धुल के कट करके रखा हुआ है महीन महीन। और यहाँ पे कुछ चीज़ें ली हैं जैसे कि हरी मिर्च, हींग, पिसा मिर्चा, हल्दी और कुटा हुआ लहसुन, गरम मसाला, ये सब चीज़ें मैंने ली हुई हैं। बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी। वैसे तो चना की दाल यूज़ होती है लेकिन मैंने यहाँ पर सिंपल बेसन यूज़ किया है। और ये लगभग 1 कप के अराउंड ये बेसन है और इसको मैंने इसमें डाल दिया है। साथ में बाकी चीज़ें जैसे हरी मिर्च है और बाकी चीज़ें लहसुन वगैरह मैंने सारी चीज़ें उसमें एक साथ डाल दी हैं। और साथ उसके बाद डालूंगी मैं नमक, नींबू, नींबू के रस डाला है मैंने, नींबू का रस। आप इसकी जगह पिसी खटाई भी यूज़ कर सकते हैं या किसी अचार का मसाला यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने नींबू का रस लिया हुआ है और इसमें पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि नमक डाला है और लीफी वेजिटेबल है तो ये खुद पानी छोड़ती है। तो बस इसको ऐसे मैश करते रहेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से, तो ये एक डो टाइप का तैयार हो जाएगा। ये देखिए मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ। और मुझे इसमें डालना था एक्चुअली थोड़ा सा चावल का आटा, तो चावल का आटा मुझे दिखा नहीं, कॉर्नफ्लोर रखा हुआ था, बहुत ज़रा सा थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने कहा लो ये इसमें यूज़ कर लूँ, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसके मैं ऐसे पेड़े टाइप की बना लूँगी, आप कोई भी शेप देके बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस टाइप को बनाया है और इसमें से कुछ कुछ मतलब मैंने इसको स्टीम पे पकाने के लिए अलग रख दिया है क्योंकि मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ डीप फ्राई चीज़ें, तो ये मैंने अपने लिए अलग रख दिए और बाकी को मैं फ्राई कर लूँगी तेल में, मस्टर्ड ऑयल में। तो ये देखिए मैंने स्टीम पे पहले ही रख दिया था और ये हो गया है, इसको पलट पलट के देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखा था, वो पतला पतला मैंने बनाया था तो जल्दी हो गया है। और बाकी के जो है वो मैंने इसलिए नहीं अभी शुरू किया क्योंकि जो है जब खाने बैठेंगे तब गरम गरम तल दूँगी, फ्राई कर दूँगी, वन ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं उसमें। तो इधर भाप वाले रेडी हैं, इधर मैंने तेल भी गर्म करने को रख दिया और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बाकी के फ्राई करने के लिए। तो बस इसको तेज आंच पे फ्राई करिए और लास्ट में थोड़ा सा सिम कर दीजिए जिससे अंदर तक पक जाए। और बस खाने को एकदम रेडी है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, जैसे भी चाहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।